Thank mm -hmm. you. What's up? Welcome back to Gravity Circle. क्या हाल चाल सब बढ़िया चलो सो गाइज थर्मोडाइने वी आर मूविंग टूवर्ड दिस की बात है और गाइज आज के क्लास में हम लोग स्टार्ट करने वाले एक नया और एक फ्रेश टॉपिक दैट इज कॉल्ड स्पॉन्टेनियस प्रोसेस स्पोन्टेनियोसेस एंड स्पॉन्टेनिटी, स्पॉन्टेनिटी एंड स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। गाइस बहुत इजी है और यहां पर हम एक नया स्टेट फंक्शन और एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी इंट्रोड्यूस करेंगे जिसका नाम है एंट्रोपी पर वो एंट्रोपी क्या है वो समझने से पहले हमें बीच में आने वाले स्टेप समझने होंगे कि हम एंट्रोपी तक कैसे जा रहे हैं जैसे इंटरनल एनर्जी पढ़ा ये सब स्टेट फंक्शंस थे लेकिन लेकिन अब अब हमें हमें ये सब एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज थी लेकिन अब हमें क्या करना होगा अब हमें एंट्रोपी यानी स्टेट फंक्शन को समझने से पहले स्टेट फंक्शन क्या होता है जो पाथ पर डिपेंड नहीं करता तो यहां पर भी एक एंट्रोपी नाम का नया स्टेट फंक्शन बेसिकली आपके सामने आएगा और हम उसकी बात करेंगे लेकिन पहले जरा स्पॉन्टेनियस प्रोसेस एंड स्पॉन्टेनिटी की बात करते हैं। देखो गाइस इस दुनिया में कोई भी प्रोसेस हो इस दुनिया में कोई भी प्रोसेस हो रही हो अगर वो प्रोसेस अपने आप हो जाए अगर वो प्रोसेस अपने आप हो जाए बाय देयर ओन या तो उस प्रोसेस को अगर एक बार इनिशिएट कर दिया जाए अगर वो प्रोसेस एक बार इनिशिएट कर दी जाए और उसके बाद फिर वो अपने आप होती रहे उसके बाद वो अपने आप होती रहे सच प्रोसेसेस आर कॉल्ड एज स्पॉन्टेनियस प्रोसेस सच प्रोसेस आर कॉल्ड एज स्पॉन्टेनियस प्रोसेस क्या बोला मैंने बहुत ईजी भाषा में समझा दिया आप लोगों को आई थिंक इससे ईजी लैंग्वेज में ना आप खुद भी अगर लिखोगे तो ऐसे ही लिखना क्या होता है स्पॉन्टेनियस जो अपने आप हो जाए जिसको करने के लिए हमें कोई एक्स्ट्रा एनर्जी ऐसी प्रोसेस को करने के लिए हमें कोई एक्स्ट्रा एनर्जी का इनपुट देना नहीं होता इनपुट देने की देर इज नो नीड देर इज नो नीड टू गिव एनी काइंड ऑफ एनर्जी फॉर सच प्रोसेस ऐसी प्रोसेस को करने के लिए आप लोगों को बाहर से कोई इनपुट देना नहीं होता एक बार जरा इसको अपनी कॉपीज में पहले नोट कर लीजिए उसके बाद में तुम्हें दूंगा ऐसे ऐसे एग्जाम्पल जिससे दहल जाएगा तुम्हारा मन चलो लिखो जरा इसको फटाफट फड़ से फिर आगे चलते हैं ठीक है आगे चले कोई दिक्कत फिर मैं डिफाइन कराऊंगा अभी डिफाइन नहीं करा रहा हूं अभी मैं आपको मेंटली प्रिपेयर कर रहा हूं इस चीज को समझने के लिए चलो तो पहली बात क्या समझ ली पहला पॉइंट अभी तुरंत समझ लिया ऐसी प्रोसेस जो खुद से हो जाए जो अपने आप हो जाए या मैं एक बार उसे इनिशिएट कर दूं, फिर अपने आप वो होती रहे जैसे वो होता है ना आ, हमारे हनुमान जी हमारे जय श्री राम बजरंग बली बजरंग बली में बहुत पावर थी हनुमान जी में बहुत पावर थी लेकिन उन्हें याद दिलाना पड़ा कि आप पवन पुत्र हनुमान हैं आप में इतनी ताकत है कि आप पूरा समुद्र पार करके लंका जा सकते हैं तो उनको इनिशिएट करना पड़ा कि आप बहुत पावरफुल है आप सबसे ज्यादा पावरफुल है आप जाओ श्री राम का नाम लेकर जाओ तो वो चले गए और उसके बाद उनको लाइफ टाइम किसी को याद दिलाने की जरूरत नहीं पड़ी कि आप उड़ सकते हो आप इधर से उधर जा सकते हो फिर जब वो लक्ष्मण को तीर लगा था फिर उनको संजीवनी बूटी लेने आना था तो वो वापस से पूरा समुद्र पार करके श्रीलंका से हिमालय गए और वहां से वापस आ गए फिर उनको उड़ना किसी ने याद नहीं दिलाया वंस इनिशिएटेड अपने आप हो जाएगा फिर सब काम समझ रहे हो ऐसा <laughs> है तो वो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है या तो खुद से हो जाए या एक बार आप इनिशिएट कर दो तो फिर वो अपने आप चलती रहे कुछ एग्जाम्पल समझते हैं कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं आपने एक कप ऑफ टी बनाई आपने कप भर के चाय बनाई आपके पास में कप है और इसके अंदर आपने भरी चाय चाय कैसी है काफी गर्म है वेरी हॉट टी थोड़ा सा इसमें से आपको वेपर्स भी निकलते हुए दिख रहा है आपने इसको रूम पे रख दिया आपने इसको लाके रूम में रख दिया क्या होगा सर चाय ठंडी हो जाएगी हॉट टी कुछ देर बाद रूम में रखे रखे कूल हो जाएगी इनफैक्ट ऐसा नहीं होगा ऐसा नहीं होगा ध्यान से मेरी बात सुनना अगर मान लो जिस रूम में यह चाय रखी है उस रूम का टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस है और जब यह चाय बन के आई तो चाय का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस है तो चाय सिर्फ उतनी ठंडी होगी जितना इस रूम का टेम्परेचर है यानी वो 27 डिग्री सेल्सियस तक आ जाएगी मतलब चाय ठंडी होगी चाय का टेम्परेचर डिक्रीज होगा चाय का टेम्परेचर डिक्रीज होगा लेकिन कब तक अप टू रूम टेम्परेचर उसके बाद क्या होगा उसके बाद ये इक्विलिब्रियम में आ जाएंगे इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है चाय भी सत्तावीस डिग्री पर रूम भी सत्ताईस डिग्री पर दोनों का टेम्परेचर बराबर हो जाएगा तो यहां पर क्या चाय को ठंडा करने के लिए मैंने कुछ किया कोई करंट दिया कोई एनर्जी लगाई कुछ भी नहीं करा अगर आप चाय को लाकर बस रूम पे रख दो रूम में एक टेबल पे रख दो और अपने काम में लग जाओ आप कुछ देर बाद पाओगे चाय अपनी आप ठंडी हो गई और उसका टेम्परेचर कम होता गया होता गया लेकिन जीरो डिग्री नहीं हुआ जितना रूम का टेम्परेचर है जितना आपके सराउंडिंग का टेम्परेचर है यह उसके साथ इक्विलिब्रियम में आ गया मतलब जितना टेम्परेचर इसका उतना टेम्परेचर आपके चाय का हो जाएगा समझ में आ रही बात तो क्या इस प्रोसेस को करने के लिए मैंने कुछ किया नहीं देर फोर दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज स्पॉन्टेनियस प्रोसेस इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे स्पॉन्टेनियस प्रोसेस चलिए एक एग्जाम्पल में आपको और समझाता हूं यह तुम्हारा पानी बह रहा है यह तुम्हारा पानी बह रहा है और अचानक से झरना आता है और पानी यहां से नीचे गिर जाता है झरना आता है और पानी एकदम से यहां से नीचे गिर जाता है तो यहां पर आपका पहाड़ है यह आपका पहाड़ था झरना पानी यहां से बहा बहा और अपने आप यहां से आके नीचे गिर गया और यहां से फिर आगे बहने लगा तो क्या पानी को नीचे बहाने के लिए आपने वहां पर खड़े पानी को मारी चल नीचे गिर, फिर गए, ऐसा कर रहे हो क्या आप कुछ एनर्जी लगा रहे हो क्या या दुनिया में कोई अर्थ वहां पर हिल रही हो या हवा की वजह से वो गिर रहा हो नहीं ये पानी अपने आप झरने से अपने आप हाइट से अपने आप हायर एंड से लोअर एंड पर आ जाएगा अपने आप हायर एंड से लोअर एंड पर आ जाएगा क्या यह बात समझ में आ रही है मेरे प्यारे बच्चों क्या इसके अंदर किसी भी तरीके की कोई भी दिक्कत पक्की बात चलिए और समझाऊं और एग्जाम्पल दू चलो एक एग्जाम्पल और देता हूं जमीन पर पानी गिर गया वॉटर ऑन फ्लोर जमीन पर पानी गिर गया कुछ करोगे फैला दिया नीवी फैलाया पड़ा हुआ है तो कुछ देर बाद क्या होगा वॉटर काय में कन्वर्ट हो जाएगा वेपर में गायब पानी वहां से गायब क्यों पानी लिक्विड फॉर्म से अपने वेपर फॉर्म में चला गया क्या हो गया इवैपोरेट। इवैपोरेशन करने के लिए बढ़ाते हो क्या घर पे पोछा लगाने के बाद जमीन को हीट करते हो क्या वहाँ पे कोयले वोले डाल के आग लगाते हो क्या अपने आप हो जाता है अपने आप वो वेपोराइज हो जाता है तो पानी को भाप बनाने के लिए आप एक्सटर्नली कुछ करते हो क्या वो प्रोसेस अपने आप हो जाती है आपको उसमें कुछ नहीं करना पड़ता आप बोलोगे सर वो धूप में पानी उड़ जाता है तो धूप की वजह से हो रही है तो धूप आप दे रहे हो क्या पानी पड़ा है अपने आप भाप बन गया आप रोक सकते हो क्या उसको नहीं तो वो प्रोसेसेस जो अपने आप ही हो जाए वो केमिकल रिएक्शन जो खुद ब खुद हो जाए अपने हिसाब से हो जाए उन सारी प्रोसेसेस को हम स्पॉन्टेनियस प्रोसेस बोलते हैं, समझ रहे हो पक्का 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 चलो लेकिन एक बात बताओ आपके घर की टंकी जो ग्राउंड फ्लोर पर है उसका पानी अगर आपको आपके टेरेस पर लगी टंकी में पहुंचाना है तो क्या वो अपने आप चला जाएगा क्या मैं एक पाइप नीचे की टंकी से ऊपर की टंकी में कनेक्ट कर दूं तो वो अपने आप चला जाएगा मोटर लगानी पड़ेगी यानी वाटर को लोअर एंड से अगर मुझे हायर एंड पर फेंकना है तो मुझे एक सक्शन पंप लगाना पड़ेगा मुझे एक पंप की जरूरत होगी जो एक फोर्स क्रिएट करेगी जो नीचे से ऊपर ले जाएगी चीज को अगर मेरे पास में रूम पे ठंडी चाय रखी हुई है अगर एक ठंडी चाय रखी हुई है 27 डिग्री सेल्सियस पर इस रूम में जिसका टेम्परेचर 27 डिग्री और मैं चाहता हूं कि गर्म हो जाए तो क्या ये पड़े पड़े गर्म हो जाएगी नहीं मुझे इसे बर्नर पर रखना होगा मुझे इसे बर्नर पर रखना होगा एक तपेली में डालकर मुझे इसे गर्म करना होगा मतलब मुझे इसे हीट प्रोवाइड करनी होगी अगर मैं वाटर वेपर को वापस से लिक्विफाई करना चाहूं मतलब मेरे इस रूम में जो पानी के वेपर्स है अगर मैं उसको वाटर में लेना चाहूं वाटर बनाना चाहूं तो मुझे टेम्परेचर को डिक्रीज करना होगा मुझे फ्रीजिंग करनी होगी और मुझे उसका कंडेंसेशन करना होगा तब कहीं जाकर यह चीज अचीवेबल है मतलब गरम चाय ठंडी हो सकती है एक गरम चाय के प्याले हे उसको पिलाने वाली हो। तो गरम चाय ठंडी हो जाएगी लेकिन ठंडी चाय अपने आप गर्म नहीं हो सकती मतलब ये एक इर प्रोसेस है मतलब ये एक इर प्रोसेस है पानी हायर एंड से लोअर एंड पर आ सकता है लेकिन लोअर से हायर अपने आप नहीं जा सकता तो ये एक इर प्रोसेस है लिक्विड वापर वेपर बन सकता है लेकिन वेपर वापर लिक्विड नहीं बन सकता ये इर प्रोसेस है कैसे अपने आप ये मैंने जो इिवर्सिबल लिखा है ये इिवर्सिबल का मतलब कैसे अपने आप अपने आप ठंडी चाय गर्म नहीं होगी लेकिन गर्म चाय अपने आप ठंडी हो जाएगी तो हमेशा ध्यान रखना पॉइंट नंबर वो प्रोसेस होती है जो या तो अपने आप हो जाए या मैं एक बार उसे इनिशिएट कर दू उसके बाद वो अपने आप चलती रहे और दूसरा पॉइंट स्पॉन्टेनियस प्रोसेस इवर्सिबल होती है गरम चाय ठंडी हो गई लेकिन ठंडी चाय अपने आप गरम नहीं होगी तो ठंडी चाय को गरम करने के लिए हीट देनी पड़ी पानी झरने से नीचे गिर गया लेकिन नीचे से ऊपर नहीं जा पा रहा ऊपर पहुंचाने के लिए मुझे पंप लगेगा पानी वेपोराइज हो गया लेकिन वेपर वापस से लिक्विड नहीं बने उसके लिए मुझे फ्रीजिंग कंडेंसेशन करना पड़ा तो यह प्रोसेस अगर आप ठंडी चाय को गर्म करना चाहते हो इसमें आपको कुछ एक्सटर्नल एजेंसी की मदद लगी आपको कुछ एक्सटर्नल इफेक्ट डालने पड़े कुछ एक्सटर्नल एफर्ट्स डालने पड़े इसीलिए यह प्रोसेस नॉन स्पॉन्टेनियस कैटेगरी में आ गई यह प्रोसेस काय में आ गई नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस में आ गई एक एग्जाम्पल और लेता हूं आप एक काम करना आज रात में एक ग्लास पानी में एक चम्मच शक्कर डाल के सो जाना आज रात को एक ग्लास पानी में एक चम्मच शक्कर डाल के सो जाना जब आप सुबह उठकर देखोगे वो शक्कर पानी के अंदर डिजोल्व हो चुकी होगी आपने स्टरिंग करने की मेहनत भी नहीं करनी है सिर्फ पानी में शक्कर डाल के छोड़ देना वो अपने आप डिजोल्व हो जाएगी मतलब ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है अपने आप हो गई लेकिन अगर आप सोचो कि वो जो शक्कर पानी के अंदर डिजोल्व हो गई है वो वापस से अनडिजोल्व होकर अपने क्रिस्टल फॉर्म में पानी के अंदर आ जाए तो क्या वो पॉसिबल है नहीं तो ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हो गई लेकिन अगर आप शक्कर वापस निकालना चाहते हो पानी से तो आपको पानी को हीट करना पड़ेगा पानी को वेपोराइज करना पड़ेगा तब कहीं जाकर आपको शक्कर वापस मिलेगी तो उसको शक्कर को वापस लाने के लिए आपको एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने पड़े आपको एक्सटर्नल एजेंसीज की मदद से हीटिंग इफेक्ट देना पड़ा तब वो शक्कर वापस आपको मिलेगी तो वो प्रोसेस नॉन स्पॉन्टेनियस हो गई अगर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस को उल्टा कर दिया जाए तो वो नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाएगी यानी गर्म चाय ठंडी हो गई अपने आप हुई स्पॉन्टेनियस लेकिन ठंडी चाय गर्म हुई नॉन स्पॉन्टेनियस क्या ये बात समझ में आ गई मेरे प्यारे बच्चों को क्या इसके अंदर कोई भी दिक्कत तो वो सारी प्रोसेस जिन्हें करने के लिए आपको एक्सटर्नल एजेंसी की मदद लगे एक्सटर्नल इफेक्ट्स लगाने पड़े जिसे करने के लिए आपको एक्सटर्नल एजेंसीज की मदद लगे वो सब नॉन स्पॉन्टेनियस तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस क्या बोलेंगे सो ऑल दो प्रोसेसेस दैट आर वंस इनिशिएटेड और ंस इनिशिएटेड विल कीप ऑन मूविंग फॉरवर्ड अंटिल दे अचीव इक्विलिब्रियम देखो मैंने सारे पॉइंट यहां पर लिख दिए इस डेफिनेशन में इक्विलिब्रियम तक ही चलेगी वो उसके बाद नहीं चलेगी जैसे गर्म चाय ठंडी होगी कब तक जब तक वो रूम टेम्परेचर तक ना पहुंच जाए

Processes are called as spontaneous process. ऐसी processes को क्या बोलते हैं Spontaneous process. क्या यह बात समझ में आ गई प्यारे बच्चों पहले spontaneous process का मतलब समझ में आया हमको अच्छे तरीके से screenshot लो ओके मेरे प्यारे बुलबुलो चलो अरे मेरा प्यार प्यार अच्छे जाओ डेफिनेशन हो जाने के बाद आगे बढ़ते हैं लगता है हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं चलो प्यारे बच्चों कुछ एग्जाम्पल्स नोट करो दैट टेक्स प्लेस विदाउट इनिशिएशन और कुछ हम लोग एग्जाम्पल्स नोट कर लेते हैं विच टेक्स प्लेस विथ इनिशिएशन ताकि आप लोगों को चीजें बड़े अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए सबसे पहला और सबसे बेस्ट एग्जाम्पल जो मुझे यहां पर दिख रहा है दैट इज शुगर का वॉटर के अंदर जाकर एक शुगर सॉल्यूशन बनाना एक शुगर सॉल्यूशन बनाना यह अपने आप हो जाएगा दूसरा अगर तालाब में टंकी में छत पे ओशन में रिवर में कहीं पर भी पानी हो वो पानी अपने आप वेपोराइज हो जाता है सनलाइट की गर्मी वैसे उसको सन की गर्मी चाहिए होती है लेकिन वो हमेशा का केस नहीं है स्लोली स्लोली वो हो जाता है तीसरा अगर आपके एटमॉस्फेयर में कहीं पर नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड है जो यूजुअली आपके जेट प्लेन्स जो होते हैं उनसे निकलता है ये एनवायरनमेंट में मौजूद ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके एन टू बना लेता है एन इट इज एन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस अब गाइज यहां पर आप एक बात नोट करो कुछ प्रोसेस जल्दी होंगी कुछ प्रोसेस आराम से होंगे और कुछ प्रोसेस और आराम से होगी तो यहां पर स्पॉन्टेनिटी या कोई प्रोसेस के स्पॉन्टेनियस होने का यह मतलब नहीं है कि उनका स्पीड फास्ट हो या स्लो हो तो हमेशा ध्यान रखना कभी आपको केमिकल रिएक्शन के रेट के बारे में नहीं बताएगा कि केमिकल रिएक्शन जल्दी हो रही है या केमिकल रिएक्शन स्लोली हो रही है हमेशा इस बात का ध्यान रखना दैट स्पॉन्टेनिटी स्पॉन्टेनिटी है ना स्पॉन्टेनिटी लिख लो या स्पॉन्टेनियस प्रोसेस लिख लो स्पॉन्टेनिटी नेवर टॉक्स अबाउट द रेट ऑफ अ रिएक्शन इस बात के बारे में हमेशा ध्यान रखना कि ये रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन के बारे में कभी कोई बात नहीं करता इट विल नेवर टॉक अबाउट रेट स्लो हो फास्ट हो इससे इसका कोई लेना देना नहीं है अपने आप हो उससे लेना देना है या विद इनिशिएशन की अगर मैं बात करूं तो प्यारे बच्चों मान लो आपके पास में कोयला है कोल आपके पास में ऑक्सीजन है लेकिन कोयले को आपको एक बार तो सुलगाना पड़ेगा एक बार तो आपको माचिस से या लाइटर से आग लगानी पड़ेगी उसके बाद वो आग लगातार जलती रहेगी कोयला जलता रहेगा और ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर कार्बन डाइऑक्साइड बनके उड़ता रहेगा एक बार आपको आग लगानी पड़ेगी बस दूसरा मीथेन जिसको आप बायोगैस बोलते हो अगर इस बायोगैस को आपको खाना पकाने के लिए यूज करना है आपको एक बार लाइटर से चिंगारी लगानी पड़ेगी वो चिंगारी जो आप लगा रहे हो आप जो उस पर वर्क कर रहे हो एक बार आपने चिंगारी लगा दी एक बार आपने इनिशिएट कर दिया फिर वो कार्बन अपने आप कार्बन डाइऑक्साइड में और वाटर के अंदर कन्वर्ट होता रहेगा और प्रोसेस अपने आप चलती रहेगी तो ये कुछ ऐसी प्रोसेसेस होती है मेरे प्यारे बच्चों जिनको आपको एक बार इनिशिएट करना होता है फिर यह अपने आप होती रहेगी जैसे आपने देखा होगा हमारे कमरे में हाइड्रोजन नाम की गैस है ऑक्सीजन नाम की गैस है लेकिन वो हम जब सांस लेते तो वो नाक के पास आके कार्बन हाइड्रोजन मिलके पानी बन के नाक में नहीं घुस जाता ऐसा कभी नहीं होता आपको हाइड्रोजन और पानी को आई I मीन mean हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को कंबाइन करके अगर पानी बनाना है तो आपको स्पार्क आपको करंट या आपको इलेक्ट्रोलेसिस एक बार करना पड़ेगा फिर यह अपने आप होता जाएगा तो यह सारी प्रोसेसेस कहलाती हैं आपकी प्रोसेसेस। प्रोसेस क्या मेरे प्यारे बच्चों को यह बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रहा है तो जरा इसको एग्जाम्पल को फटाफट से नोट कर लो ताकि आप लोगों को मजा आ जाए क्या इसके अंदर कोई दिक्कत ठीक है चलो जल्दी से स्क्रीन शॉट ले लो ताकि मैं आगे बढ़ सकू इसकी फोटो ले लो फोटो फोटो ले लो आलू ले लो मजेनो सुबह से ना एक आलू बिका है ना बिका है आधा कांदा क्या कर रहा हूं क्या कर रहा हूं किससे बात कर रहा हूं कंट्रोल भगवान का दिया सब कुछ है दौलत है शोहरत है इज्जत है बस एक केमिस्ट्री पढ़ाने वाले की जरूरत थी वो कमी आज समझ लो आपने पूरी कर दी चलो करें आगे बढ़े रब करें चलो सो so, काफी फफीफियन टाइम देने के बाद यस फफिफियन काफी फफिफियन टाइम देने के बाद अब हम लोग आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ो अब हम लोग आगे बढ़ के बात करते हैं कि चलो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस सर समझ ली लेकिन एक बात बताओ दुनिया में कोई भी चीज जो अपने आप हो रही है वो अपने आप क्यों हो रही है फायदा क्या पानी भाप बन रहा है तो उसका क्या फायदा चाहे ठंडी हो रही है उसमें उसका क्या फायदा भाई कोई तो इस दुनिया में एक ऐसा ड्राइविंग फोर्स होगा जो गरम चाय को एक गरम चाय के प्याले का बोलता होगा कि तू ठंडी हो जा वो कोई तो ड्राइविंग फोर्स होगा जो कार्बन या कोयले को आग लगा देने के बाद लगातार जलाता होगा लगातार उसमें आग जलती रहती है वो कोयला लगातार सुलगता रहता है वो कोई तो ड्राइविंग फोर्स होगा जो नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड को कहता है कि तू जा और उस ऑक्सीजन से रिएक्शन कर जा ताकि एनओ टू बन सके समझ में आ रही है बात तो ऐसा क्यों वो कौन सा ड्राइविंग फोर्स है वो कौन है क्या वो भगवान है या वो कोई और है वो कौन है जो चाहता है कि ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हो तो फिर साइंटिस्ट लोगों ने पता लगाने की कोशिश करी कि क्या इन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस को करने के पीछे इन का कोई हाथ है तो अब हम लोग पढ़ेंगे स्पॉन्निटी एंड इंथेलपी रिलेशन क्या आपके स्पॉन्टेनियस प्रोसेस और आपकी इंथेल्पी में क्या कोई कनेक्शन है क्या इन दोनों के बीच में कुछ है जिसकी वजह से जिसकी वजह से स्पॉन्टेनियस प्रोसेस अपने आप हो जाती है और साइंटिस्ट लोगों को बहुत शानदार एक सुराग मिला सीआईडी वालों को इंथेल्पी और स्पॉन्टेनिटी के बीच में बहुत खतरनाक सुराग मिला जानना चाहोगे वो क्या है पक्की बात श्योर है आगे बढ़े चलो चले ओके तो गाइस इंथेल्पी का मतलब एनर्जी इंथेल्पी का मतलब एनर्जी तो साइंटिस्ट लोगों ने सोचा साइंटिस्ट लोगों ने क्या सोचा कि जब ठंड होती है इमेजिन करना जब ठंड होती है बहुत ज्यादा तो ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है नेचुरल नॉर्मल 37 डिग्री सेल्सियस हमारी बॉडी का जो नेचुरल टेम्परेचर होता है दैट इज 37 डिग्री सेल्सियस ठीक है अब क्या हुआ ठंड बढ़ी और तुम्हारे कमरे का टेम्परेचर हो गया 10 डिग्री सेल्सियस जब ठंड ज्यादा हुई तो तुम्हारे रूम का टेम्परेचर हो गया टेन डिग्री सेल्सियस अब क्या होता है ऐसी कंडीशन में तुमको क्या होने लग जाती है गुण। गुण। मतलब तुमको ठंड लगने लग जाती है कारण क्या हो रहा है रूम ठंडा है दस डिग्री तुम्हारी बॉडी गर्म है सत्ताविस सॉरी थर्टी सेवन डिग्री सो तुम्हारी बॉडी में टेम्परेचर ज्यादा है मतलब टेम्परेचर ज्यादा मतलब तुम्हारी बॉडी गर्म है रूम ठंडा है तो तुम्हारी बॉडी से हीट तुम्हारी बॉडी से हीट इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी निकल के कहां जा रही है रूम में निकल के कहा जा रही है रूम में और यह कब तक होता रहेगा जब तक रूम का टेम्परेचर और तुम्हारी बॉडी का टेम्परेचर इक्विलिब्रियम में ना आ जाए अब जब तुम्हारी बॉडी का टेम्परेचर गिरने लगेगा तो तुम कांपने लगोगे यही 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 यही। समझ रहे हो चलो ये चीज समझ ली चाय 100 डिग्री वाली चाय जब एक 27 डिग्री वाले यानी 100 डिग्री सेल्सियस वाली चाय जब एक 27 डिग्री सेल्सियस वाले रूम में रखी जाती है तो वो ठंडी होती 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 इतनी ठंडी हो जाती है जितना रूम का टेम्परेचर यानी सत्तावीस 27 सेवन डिग्री तक वो ठंडी हो जाती है उसके बाद वह नीचे नहीं जाती मतलब गरम चाय में से हीट लॉस हो रही है गरम चाय में से हीट लॉस हो रही है और वह रूम में स्प्रेड हो रही है रूम में स्प्रेड हो रही है अब क्योंकि रूम बड़ा है तो तुमको टेम्परेचर बढ़ता हुआ नहीं नजर आ रहा क्योंकि जरा सी चाय में से कितनी हीट निकल पाएगी वो इतनी भी नहीं निकल पाएगी कि वो रूम को गर्म कर सके लेकिन आप फील करोगे चाय जिस टेबल पर रखी है उतने एरिया में हल्की सी आपको गर्माहट महसूस होती है मतलब क्या हो रहा है हीट का लॉस हो रहा है ठीक है सर ये भी समझ गए अब बहुत ठंड है बहुत ज्यादा ठंड है हमने आग जला ली और उस गर्म आग के पास हम बैठ गए कुछ देर बाद आपको गर्मी लगना शुरू हो जाएगी कुछ देर बाद आपको आग के पास से हटना पड़ेगा आपको आग से थोड़ा दूर जाना पड़ेगा क्योंकि आपकी बॉडी गर्म हो गई मतलब अब क्या हुआ अब आग तुम्हारी बॉडी से ज्यादा गर्म है तुम्हारी बॉडी 37 डिग्री है लेकिन आग 100 डिग्री तो छोड़ो पता नहीं कितने डिग्री 800 900 डिग्री भी हो सकती है 1000 डिग्री भी हो सकती है तो अब आग से गर्मी निकल के तुम्हारे शरीर में जा रही है और अगर तुम आग के पास से नहीं हटे तो तुम्हारे शरीर में तब तक गर्मी जाती रहेगी जब तक आग और तुम्हारा शरीर इक्विलिब्रियम में ना आ जाए लेकिन हम एक लिमिट के बाद आग सहन नहीं कर पाते आग की गर्मी सहन नहीं कर पाते इसलिए हम लोग दूर खिसक जाते हैं। हमने देखा कि पानी हाइट पे से नीचे अपने आप गिर रहा है लेकिन नीचे से ऊपर अपने आप नहीं आ रहा है मतलब हायर एंड से लोअर एंड पर आ रहा है लेकिन लोअर एंड से हायर एंड पर नहीं जा रहा है इसका मतलब तो गुरु यह है कि इस दुनिया में लगभग हर अपने आप होने वाली रिएक्शन हर वो रिएक्शन जो स्पॉन्टेनियसली हो रही हो वो अपनी हायर एनर्जी को लोअर डायरेक्शन में ले जाने की कोशिश करती है गर्म चाय चाहती है कि वो ठंडी हो जाए गरम आग चाहती है कि वो ह्यूमन बीइंग जो उसके पास बैठा है वो गरम हो जाए मतलब अपनी हीट वो मुझे दे रहा है तो अगर उस आग की हीट में ले रहा हूं तो आग की तो एनर्जी कम हो रही होगी तभी कुछ देर बाद आग बुझ जाती है क्योंकि वो अपनी सारी एनर्जी दे चुकी होती है पानी हायर एंड से लोअर एंड पर आता है क्योंकि हायर से लोअर आने पर उसकी पोटेंशियल एनर्जी कम हो जाती है लेकिन लोअर से हायर जाने में उसको एनर्जी बढ़ानी पड़ेगी तो साइंटिस्ट लोगों ने यह पाया दैट ऑल द नेचुरल प्रोसेसेस दैट ऑल द नेचुरल प्रोसेसेस दैट अकर्स स्पॉन्टेनियसली दैट अकर्स स्पॉन्टेनियसली विल ऑलवेज मूव इन फॉरवर्ड डायरेक्शन यानी अपने फॉरवर्ड डायरेक्शन में आगे की तरफ बढ़ती है यानी रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की ओर बढ़ती है जो स्पॉन्टेनियसली होती है नेचुरल प्रोसेसेस जो अपने आप हो रही है और फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रही है विल ऑलवेज डू इट बाय द लॉस ऑफ एनर्जी वो हमेशा उस चीज को कैसे करेगी बाय द लॉस ऑफ एनर्जी दैट इज इन केमिकल रिएक्शन का डेल्टा एच हमेशा कैसा होगा नेगेटिव क्योंकि लॉस ऑफ एनर्जी को हम हमेशा नेगेटिव से दिखाते हैं और नेगेटिव का मतलब क्या होता है ये प्रोसेसेस हमेशा कैसी होगी एक्सोथर्मिक मतलब जब कभी भी ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हो रही होगी और अगर आप उसके पास बैठे हो तो आपको गर्मी लगना शुरू हो जाएगी क्योंकि इनसे हीट बाहर निकल रही है एक्सोथर्मिक रिएक्शंस में से हीट बाहर निकल रही होती है और अगर हीट बाहर निकल रही है तो इन रिएक्शंस के अंदर एनर्जी कम हो रही है इन रिएक्शंस के अंदर एनर्जी कम हो रही है तो जो रिएक्शन एक्सोथर्मिक होती है मतलब इनसाइड देम एनर्जी डिक्रीजेस इनके अंदर क्या हो रही है एनर्जी डिक्रीज हो रही है किसके अंदर रिएक्शन के अंदर रिएक्शन के अंदर रिएक्टेंट से जब प्रोडक्ट बन रहा है तो प्रोडक्ट की एनर्जी कम हो रही है और एनर्जी कम होने का मतलब एक ही होता है कोई भी दुनिया में अपनी एनर्जी तभी कम करता है जब उसकी स्टेबिलिटी बढ़ रही हो क्योंकि हम लोग सब जानते हैं एनर्जी और स्टेबिलिटी का इनवर्स रिलेशनशिप होता है एनर्जी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी अगर स्टेबिलिटी बढ़ेगी तो वो एनर्जी कम करेगा और एनर्जी कम करेगा मतलब सराउंडिंग में छोड़ेगा मतलब वो सारी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस जो अपने आप हो रही है वो हमेशा एक्सोथर्मिक पाई गई मतलब वो हमेशा एनर्जी छोड़ती नजर गई वो हमेशा छोड़ती हुई नजर आई क्या बोल रहा हूं मैं वो हमेशा एनर्जी छोड़ती हुई पाई गई तो हमने पता लगाया कि यार ये ससुरा एनर्जी क्यों छोड़ रहा है तो हमने देखा कि ये एनर्जी इसलिए छोड़ रहा है ताकि इसकी खुद की एनर्जी कम हो जाए मेरे पास में सौ रुपए हैं मैं बहुत अमीर हूं मैंने सौ रुपए में से दस रुपए किसी को दे दिए इसको दस दे दिए उस पर दस लुटा दिए सबको पैसे बांट दिए अब मेरे पास में दस रुपए बचे तो मैं गरीब हो गया पहले मेरे पास में सौ रुपए थे दस रुपए मेरे पैसे कम हो गए तो मेरे पैसे कम क्यों हुए लूटा के लॉस करके तो केमिकल रिएक्शन की एनर्जी कम हुई यानी एक केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट से जब प्रोडक्ट बना तो प्रोडक्ट की एनर्जी कम पाई गई और रिएक्टेंट की एनर्जी ज्यादा पाई गई मतलब जब रिएक्शन आगे बढ़ी तो लगातार एनर्जी लॉस करता गया वो क्योंकि रिएक्टेंट की एनर्जी ज्यादा है प्रोडक्ट की एनर्जी कम है एनर्जी निकालने का तरीका है एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट ज्यादा थी इसलिए डेल्टा एच की वैल्यू नेगेटिव हुई मतलब उसने एनर्जी छोड़ी एनर्जी छोड़ी तो यार एनर्जी क्यों छोड़ी होगी एनर्जी तो अच्छी चीज है एनर्जी तभी छोड़ी होगी जब उसको स्टेबिलिटी मिली और हम लोग सब जानते हैं दुनिया में हर कोई स्टेबल ही तो होना चाहता है दुनिया में हर कोई स्टेबिलिटी ही तो पाना तो पाना चाह रहा है, समझ में आया कि प्रोसेस के पीछे जो ड्राइविंग फोर्स है जो उसको आगे बढ़ने पर मजबूर करता है वो है एनर्जी लॉस और एनर्जी लॉस भी क्यों ताकि वो कंपाउंड वो प्रोसेस स्टेबल हो जाए स्टेबिलिटी अचीव करने के लिए स्टेबिलिटी पाने के लिए रिएक्शन स्पॉन्टेनियसली आगे बढ़ जाती है अपने आप हो जाती है क्योंकि उसको मालूम है कि जब मैं अपने आप आगे बढ़ूंगी मेरी एनर्जी लॉस होगी और मैं स्टेबल हो जाऊंगी क्या यह बात समझ में आई प्यारे बच्चों जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो फिर आगे बढ़ेंगे ठीक है गाइस देखो आराम से समझेंगे तो मजा आएगा So, क्या बोला साइंटिस्ट लोगों को क्या यहां से हिंट मिली कि जितनी भी नेचुरली अकरिंग प्रोसेस हैं नैचुरली मतलब जो स्पॉन्टेनियस हो रही है नेचुरल हटा दो ऑल द प्रोसेस दैट अकर्स स्पॉन्टेनियसली वो कैसी पाई गई एक्सोथर्मिक एक्सोथर्मिक मतलब हीट का लॉस हीट का लॉस क्यों होता है ताकि एनर्जी कम हो जाए एनर्जी कम होने का क्या मतलब स्टेबिलिटी मतलब जो ड्राइविंग फोर्स हम लोग ढूंढ रहे थे वो कहीं ना कहीं से लिंक मिला कुछ डिस्कस कर लेते हैं ताकि हम लोगों को चीजें और अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए अब मुझे यह ना बताना पड़े कि डेल्टा एच नेगेटिव मतलब क्या रिएक्टेंट की इंथेलपी ज्यादा होगी जब रिएक्टेंट प्रोडक्ट में बदला तो प्रोडक्ट की इंथेल्पी कम हो गई मतलब एनर्जी छोड़ दी बाबा ए बाबा ए बाबा इतना रहम करना बाबा चलो तो अगर कार्बन सॉलिड यानी कोयले को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाया जाए तो वो बनाता है सीओ टू गैस इसका इंथेल्पी पाया गया माइनस टू एटी फोर जूल्स पर मोल। भाई एग्जैक्ट वैल्यू नहीं याद है ना एग्जैक्ट की जरूरत है आपको इतना पता होना चाहिए ठीक है नहीं माइनस थ्री थ्री एटी फोर के आसपास अप्रोक्सीमेटली पानी को आधे ऑक्सीजन के साथ जब जलाया गया तो बना पानी इसीलिए गाना बना आज ब्लू है पानी 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 पानी, पानी। इसलिए यह भी एक्सोथर्मिक देखो इंथेलपी नेगेटिव आ रही है तुम्हारा अमोनिया नाइट्रोजन का हाइड्रोजन के साथ कॉम्बिनेशन में जाकर अमोनिया बनाना इज ऑल्सो नेगेटिव प्रोसेस यानी डेल्टा एच इसका भी नेगेटिव है तो यहां पर इन रिएक्शन की मदद से आप लोग ये पता कर सकते हो कि भाई साहब रिएक्शन तो कैसी है एक्सोथर्मी की और ये सब स्पॉन्टेनियस है सारी रिएक्शन कैसी है एक्जोथर्मिक है क्या यह बात समझ में आ गई क्या यहां तक किसी तरीके का कोई प्रॉब्लम कोई दिक्कत सो so, मेरे ख्याल से यह चीज इजी है मतलब हमें यह पता चल गया कि स्पॉन्टेनिटी का स्पॉन्टेनियस रिएक्शन का जो ड्राइविंग फोर्स है वो इंथेलपी चेंज है मतलब एवरी रिएक्शन जो एग्जोथर्मिक है वही स्पॉन्टेनियसली वर्क करेगी वो रिएक्शंस जो स्पॉन्टेनियसली काम कर रही है वो रिएक्शन जो अपने आप हो रही है वो कहीं ना कहीं अपनी इंथेल्पी कम करना चाहती है लेकिन देशवासियों, इसके अंदर एक लिमिटेशन पाया गया एक दिक्कत हो गई लिमिटेशंस किसकी थेल्पी एंड स्पॉन्टेनिटी याने हम लोगों ने एक बात दिल पे ले ली और ये पत्थर की लकीर लक्ष्मण रेखा बना ली कि वही सारी रिएक्शंस स्पॉन्टेनियस होगी जो एक्सोथर्मिक होगी लेकिन प्यारे बच्चों एक एग्जांपल आपके सामने रखता हूँ ज़रा ध्यान से देखना वाटर जब वेपर फॉर्म में कन्वर्ट होता है तो अपने आप होता है लेकिन यह सराउंडिंग से एनर्जी अब्जॉर्ब करता है ये सराउंडिंग से एनर्जी अब्जॉर्ब करता है इसके लिए इसकी इंथेल्पी प्लस फोर्टीन जूल्स पर मोल नापी गई मतलब प्लस फोर्टीन के आसपास ही होती है हाँ ठीक है नहीं प्लस फोर्टी फोर मानी गई सॉरी वो दूसरे वाली की थी सो प्लस फोर्टी फोर जूल पर मोल इसकी एनर्जी मानी गई मतलब ये 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 तो तो एक्सोथर्मिक नहीं है है पॉजिटिव होने का मतलब ये तो है। मतलब एंडोथर्मिक एंडोथर्मिक दिस इज एन प्रोसेस पानी का अपने आप भाप बन के उड़ जाना आपको इसके अंदर ऊपर से आपने पानी पे कोई वर्क नहीं करा कुछ नहीं करा इसने खुद से एनर्जी कर ली इसने आसपास के वातावरण से खुद से एनर्जी अब्जॉर्ब कर ली और भाप बन के उड़ गया उसके अलावा एक एग्जाम्पल और देखते हैं अगर आपके पास में अमोनियम क्लोराइड है और अगर आप इसको पानी के अंदर डिजोल्व करते हैं तो ये एन पॉजिटिव और सी नेगेटिव के अंदर टूट के आयोनाइज हो जाता है इसका इंथेल्पी ऑफ आयोनाइजेशन पाया गया प्लस फिफ्टीन पॉइंट वन पर मोल तो ये भी अपने आप हो रहा है भाई अमोनियम क्लोराइड का पानी में डिसॉल्व होना इज एन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस ये अपने आप हो रही है लेकिन ये अपने आप हो रही है बट ये भी कैसी है एंडोथर्मिक टाटा एंडो एंडोथर्मिक तो गड़बड़ यहां पर गड़बड़ हो गई कि सारी केमिकल रिएक्शंस जो एक्सोथर्मिक हो वही स्पॉन्टेनियस हो जरूरी नहीं है कुछ एंडोथर्मिक रिएक्शंस भी स्पॉन्टेनियस हो सकती है जो अपने आप हो सकती है तो अभी तक आप लोग जो इंथेलपी और स्पॉन्टेनिटी को लिंक मान रहे थे यहां पर एक बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई तो पहला लिमिटेशन क्या हो गया दैट नॉट एवरी एक्सोथर्मिक प्रोसेस आर स्पॉन्टेनियस सिमिलरली नॉट एवरी एंडोथर्मिक रिएक्शन आर नॉन स्पॉन्टेनियस मतलब सारी एंडोथर्मिक रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस जरूरी नहीं है उसमें से कुछ स्पॉन्टेनियस होती है सम आर स्पॉन्टेनियस इसमें से कुछ स्पॉन्टेनियस देखी गई जैसी दो आपके सामने लिखी है तो भैया ये ड्राइविंग फोर्स पक्का नहीं है मतलब स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के पीछे इंथेलपी का हाथ तो जरूरी नहीं है मतलब हमने यह सीखा था कि वो सारी प्रोसेस जो स्पॉन्टेनियस होती है वो अपनी एनर्जी कम करना चाहती है इसलिए वो अपने आप हो जाती है उसको किसी और की मदद की जरूरत नहीं है आपको उसको एक्स्ट्रा हीट करने की एक्स्ट्रा कुछ एफर्ट डालने की जरूरत नहीं है वो अपने हिसाब से अपनी एनर्जी कम करके किसी भी रास्ते से अपनी एनर्जी कम करके खुद ब खुद हो जाती है लेकिन यहां पर तो उल्टा हो गया या तो वाटर ने एनर्जी ले ली ताकि वो वेपोराइज हो जाए अपने आप अमोनियम क्लोराइड ने एनर्जी ले ली ताकि वो आयोनाइज हो जाए अपने आप तो यहां पर ये बात पक्की नहीं कि एनर्जी कम होगी तभी स्पॉन्टेनियस होगी या तो एनर्जी बढ़ाकर एनर्जी खींचकर खुद की एनर्जी बढ़ाकर ये क्या कर रहे हैं खुद की एनर्जी खींचकर खुद की एनर्जी बढ़ाकर ये स्पॉन्टेनियस हो रहे हैं मतलब यहां पर यह चीज काम नहीं करेगी दिस इज नॉट द वैलिड पॉइंट जल्दी से स्क्रीनशॉट लें इसका एक दो तीन स्क्रीनशॉट सॉरी एक दो तीन स्क्रीनशॉट अब लो एक और लिमिटेशन है एक और लिमिटेशन है जैसे मैंने आपसे कहा था कि सारी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस इिवर्सिबल होती है लेकिन सेकेंड लिमिटेशन आ गया दैट सम स्पॉन्टेनियस प्रोसेस सम स्पॉन्टेनियस प्रोसेस आर रिवर्सिबल जैसे कि H2 का I2 से रिएक्शन करके 2HI बनाना इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस जो स्पॉन्टेनियस है लेकिन 2HI भी रूम टेम्परेचर पे या किसी भी एक टेम्परेचर पे अपने आप टूटकर अपने आप टूटकर H2 और I2 बना लेता है और यहां पर इसकी इंथेल्पी पॉजिटिव हो जाती है एंड ये दोनों प्रोसेसेस स्पॉन्टेनियस दोनों अपने आप हो जाएगी अगर आप कहीं पर कैटलिस्ट की प्रेजेंस में नो no डाउट अगर ये आप इनको रख दोगे तो ये खुद प्रोडक्ट भी बना लेगा और प्रोडक्ट खुद ब खुद टूट के रिएक्टेंट भी बना लेगा तो ये भी स्पॉन्टेनियस है मतलब गाइज यहां पर प्रॉब्लम ये हो गई कि अभी तक हम लोगों को स्पोंटेनियस प्रोसेस तो समझ में आ गई लेकिन हमें यह नहीं पता लगा कि स्पोंटेनियस प्रोसेस खुद ब खुद हो क्यों रही है हमें यह पता नहीं लग रहा है कि स्पोंटेनियस प्रोसेस खुद ब खुद क्यों हो रही है अच्छा कुछ बच्चों के मन में यह डाउट तो नहीं है कि सर स्पोंटेनियस मतलब एनर्जी ना तो लेगी ना छोड़ेगी नहीं कोई भी केमिकल रिएक्शन बिना एनर्जी लिए या बिना एनर्जी छोड़े कंप्लीट नहीं हो सकती लेकिन हम यहां पर उन रिएक्शन की बात कर रहे हैं जो अपने आप हो रही है जैसे पानी अपने आप भाप बन के उड़ रहा है चाय अपने आप ठंडी हो रही है यह रिएक्शन अपने आप हो रही है ये रिएक्शन अपने आप हो रही है स्पॉन्टेनियस है आपको मुझे करने की जरूरत नहीं है हमें इसमें चम्मच घुमाने की हमें इन्हें आग पर रखने की जरूरत नहीं है समझ में आ रही है बात आप लोगों को एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालने की कोई जरूरत नहीं है लेकिन यह रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है लेकिन हमने देखा कि ऐसा क्यों रीजन क्या है तो एक बहुत अच्छा रीजन हाथ लगा था कि वो सारे रिएक्टेंट्स या वो वो सारे कंपाउंड्स जिनकी जिनकी एनर्जी एनर्जी ज्यादा ज्यादा है है उन चीजों की नेचुरली अपनी एनर्जी कम करने की कोशिश करते हैं एनर्जी कम करने पर उनकी स्टेबिलिटी बढ़ जाती है इसलिए वो एनर्जी कम करते हैं स्टेबिलिटी बढ़ाने के लिए इसलिए वो अपने आप धीरे धीरे अपनी एनर्जी लूज करते हैं एनर्जी लूज करते हैं और ठंडे हो जाते हैं और स्टेबल हो जाते हैं लेकिन यहां पर हमें पता चला कि इंथेल्पी के साथ में यह डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं है यह हर जगह काम नहीं करता पानी एनर्जी अब्जॉर्ब करता है और वेपोराइज होता है अमोनियम क्लोराइड एनर्जी लेता है और पानी में आयोनाइज होता है समझ में आ रही है बात आप लोगों को इसका मतलब दुनिया की हर एंडोथर्मिक प्रोसेस नॉन स्पॉन्टेनियस नहीं होती वो भी कभी कभी स्पॉन्टेनियस हो जाती है तो अभी तक हमारे पास में प्रॉपर ड्राइविंग फोर्स नहीं है जो ये बता सके कि कोई रिएक्शन कब स्पॉन्टेनियस होगी और कब नॉन स्पॉन्टेनियस होगी तो ये जानेंगे कि क्या है वो चीज जो बताएगी कि कौन सी रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी और कौन सी नहीं वो जानेंगे अगले वीडियो में आज इतना समझ लो आज इतना पढ़ लो आज एक जिंदगी और जी लो आज एक हंसी और बांट लो क्या पता कल हो ना हो चलो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो आज का प्रॉपर नोट कर लो इस टॉपिक को अगली क्लास में आगे बढ़ाएंगे दैट्स सॉल्व फॉर टुडे। बाय बाय। हैव अ ग्रेट डे